हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉली पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विद्या बालन के हवाले से। जी हाँ, विद्या बालन वो एक्ट्रेस है जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना रखी है और उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को बहुत सारी सुपरहिट फिल्में दी, जिसमें डर्टी पिक्चर, शेरनी, कहानी, भूल भुलैया, अधूरी कहानी जैसी फिल्में शामिल हैं। विद्या बालन ने बहुत कम समय में इंडस्ट्री में वो मुकाम हासिल किया जिसकी वो हकदार थी। आज उनके हवाले से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर निकल कर सामने आ रही है। तो आखिर वो खबर क्या है, क्या माजरा है, तफसील से आपको इस वीडियो में आगाह किया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और हमारी आपसे छोटी सी विनती है कि ऐसी मजीद लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल बॉली पॉइंट को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि बॉलीवुड से रिलेटेड कोई भी न्यूज आपसे मिस ना हो पाए। जी हाँ, तो आपको आगाह कर दे कि विद्या बालन के हवाले से खबर निकल कर सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि विद्या बालन का आज निधन हो गया और वो भी मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में। आपको बता दे कि विद्या काफी समय से इंडस्ट्री से दूर थी, इसके बावजूद उनके फैंस उनको सोशल मीडिया पर फॉलो किया करते थे। 2012 में विद्या ने सिद्धार्थ राय कपूर के साथ शादी करके अपना घर बसाया। विद्या बालन आज ही दुनिया को अलविदा कह गई हैं। कहा जा रहा है कि उनको सांस लेने में दिक्कत हुई तो उनको ब्रिज कैंडी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और आज सुबह ही उन्होंने ब्रिज कैंडी अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ली हैं। लेकिन हम आपको आगाह कर दें कि उनकी फैमिली की तरफ से इस खबर के हवाले से कोई भी अपडेट निकल कर सामने नहीं आ रही। तो यही कहा जा रहा है कि विद्या बालन के बारे में ये गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि विद्या बालन इस वक्त हॉस्पिटल में तो एडमिट हैं, लेकिन वो जिंदा हैं और उनकी तबीयत में काफी बेहतरी आ रही है। अगर आपने कोई ऐसी जानकारी ले रखी है तो ऐसी बातों पर यकीन मत करें। आपका इस खबर के हवाले से क्या कहना है, हमें अपनी राय से कमेंट सेशन में लाजमी आगाह करें और हमारी इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी करें ताकि आए दिन हम आपको नित नई खबरों से आगाह करते रहें। शुक्रिया।